सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। युवा स्वाभिमान की लगी लॉटरी, राजनीति में एक पर एक ऑफर, राजकुमार के साथ फ्री, धानी संयुक्त प्रगतिशील माँ आगाड़ी के समर्थन में युवा स्वाभिमान पार्टी की निर्दलीय उम्मीदवार नवनीत राणा ने जोर शोर और शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दाखिल किया है। राजा पेट चौक से नामांकन आशीर्वाद महारैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में अपने दिग्गज थे, मगर लोगों के लिए मेलघाट के शेर कहे जाने वाले पूर्व विधायक राजकुमार पटेल पर सभी की नजर टिकी हुई थी। नामांकन मंच पर पहुंचने के पहले राजकुमार पटेल ने प्रेस वार्ता लेकर अपनी भूमिका स्पष्ट की और कहा कि वे रवि राणा के साथ थे और पर सभापति रोहित भी वहाँ मौजूद रहे। राजकुमार के साथ रोहित फ्री की चर्चा मेलघाट में शुरू हो गई है। राजनीति के इस अनोखे एक पर एक ऑफर से युवा स्वाभिमान पार्टी को लॉटरी लग गई है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। राज्य में कांग्रेस के विधानसभा नेता प्रतिपक्ष दादा कृष्ण विखे पाटिल के पुत्र डॉक्टर सुजय विखे ने भाजपा का भी दामन थामा। ऐसे अनेक किस्से और परिवार है जिसमें चाचा कहीं, बेटा भतीजा और पिता किसी और पार्टी में है। राजकुमार पटेल ने जब रवि राणा के समर्थन के लिए पत्र परिषद दी तब रोहित पटेल उनके साथ ही थे। हालांकि रोहित उनके बेटे है, मगर वर्तमान में भाजपा के पद सभापति भी है। वे पत्र परिषद से भले ही बेटे का फर्ज निभा रहे हैं, मगर उन्हें अपनी भूमिका स्पष्ट करने की जरूरत है। मेलघाटवासी उन्हें भी पिता राजकुमार राणा के साथ मान रहे हैं। शुरुआत में राजकुमार पटेल जमातोश्री में उद्योग के साथ नजर आई थी। उनके शिवसेना प्रवेश की अटकलें लगी, बाद में